क्रीज जब ठीक नहीं हो रही तो ठीक नहीं हो रही, कौन सोच सकता था कि ऑस्ट्रेलिया नौ कैच ड्रॉप करते, इम्पॉसिबल से एक न्यूज आइटम है ये। फिर उसके बाद एजिंग स्टार्स हैं कुछ, जिसमें डेविड वार्नर है, स्मिथ एक नेचुरल ओडीआई प्लेयर नहीं है, लबुशेन मिडल ऑर्डर में खेलते हैं मगर हिट एंड मिस हैं, तो ये वन ट्रैक टीम है, जहां पे अच्छी पिच मिलेगी वहां पे ये सत्यानाश कर देंगे, जहां पे थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी पिच हुई या ऑपोजिशन तगड़ी मिली जो आंखों में आंखें डाल सके वहां पे ये ऑफ लेट हार रहे हैं। फिर यंग कैप्टन है और कप्तानी का बोझ भी है, मगर मैं समझता हूँ कि ओवरऑल पैकेज ठीक नहीं है अभी तक ऑस्ट्रेलिया का, कुछ ऐसे लगता है हरेली टीम इकट्ठी की गई है। सर कल की अगर मैच की बात की जाए तो बहुत बड़ा टाकरा था और साउथ अफ्रीका वो वाहिद टीम है ओडीआई में जिसके जो है वो ऑस्ट्रेलिया से स्टैट्स बेहतर हैं और बाकी टीम्स जो है वो काफी कम है, लेकिन इनकी विक्ट्रीज ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें वो काफी ज्यादा है ओडीआई के अंदर। लेकिन वर्ल्ड कप की अगर जब हम बात करते हैं, जीतने की बात करते हैं, तो दोनों टीम्स तीन तीन बार जीत चुकी हैं, जबकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हमें आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ कलर नजर आ रही है इनकी टीम। क्या प्रॉब्लम नजर आ रहा है आपको उनकी परफॉर्मेंस में? प्लीज जब ठीक नहीं हो रही तो ठीक नहीं हो रही, कौन सोच सकता था कि ऑस्ट्रेलिया नौ कैच ड्रॉप करते, इम्पॉसिबल से एक न्यूज आइटम है ये। फिर उसके बाद एजिंग स्टार्स हैं कुछ, जिसमें डेविड वार्नर है, स्मिथ एक नेचुरल ओडीआई प्लेयर नहीं है, लबुशेन मिडल ऑर्डर में खेलते हैं मगर हिट एंड मिस हैं। इसी तरह से जो ऑलराउंडर्स हैं वो इंडियन कंडीशंस पे, जो उनके बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं वो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वहां पे आपको थ्रस्ट एक तरह से एग्रेशन की जरूरत होती है, तो एकदम से जब आपको गेम उठाने की जरूरत पड़ती है तो उनका रडार ऑफ हो जाता है, क्योंकि कभी गेंद रुक रहा है, कभी स्पिनर्स आ जाते हैं, तो ये वन ट्रैक टीम है, जहां पे अच्छी पिच मिलेगी वहां पे ये सत्यानाश कर देंगे, जहां पे थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी पिच हुई या ऑपोजिशन तगड़ी मिली जो आंखों में आंखें डाल सके वहां पे ये ऑफ लेट हार रहे हैं। फिर यंग कैप्टन है और कप्तानी का बोझ भी है, मगर मैं समझता हूँ कि ओवरऑल पैकेज ठीक नहीं है अभी तक ऑस्ट्रेलिया का, कुछ ऐसे लगता है हरेली टीम इकट्ठी की गई है। ट्रेविस हेड है नहीं है, उसके बावजूद कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, और जो आज इंग्लिश खेले हैं वो भी कोई खास बड़ी रिप्लेसमेंट नहीं है, तो जो रिप्लेसमेंट नहीं है वो भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, जो प्लेयर्स हैं वो भी ठीक नहीं है। माना कि दो तगड़े मैच खेले हैं ये, मगर ऑस्ट्रेलिया से हम तवक्को करते हैं कि ये दोनों मैच जीतने थे उनको, क्योंकि अगर वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो आपको मुश्किल मैचेस जीतने हैं अभी भी, मगर आउटसाइड चांस है। ये कहना गलत है कि ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक नहीं कर सकता, मगर जो उसकी बिगिनिंग है वो खासी नरम हुई है। अच्छा रवीज भाई, एक और चीज हमने देखी कि भारत की अगर कंडीशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपका अगर जो डगआउट है उसमें दो तीन स्पिनर अच्छे नहीं हैं तो आप अपने आप को सेफ या सिक्योर फील नहीं करते। अगर इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो हमें देखा कि मैक्सवेल ने 35 रन दे के दो आउट किए और जैम्पा जिनको वो मेन बॉलर समझते हैं उन्होंने 70 रन कंसीड किए। इसी तरह फास्ट बॉलिंग की बात करें तो शुरू में कोई खास परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई, बट लास्ट 10 ओवर में देखें तो बड़ा अच्छा उन्होंने कम बैक किया, खासतौर पर क्लेसन को आउट किया, मार्क्रम को आउट किया और रन्स मेरा ख्याल है कि बड़ा इजीली 40-50 ओवर हो सकते थे उन्होंने रोका, दे वर एब्सोल्युटली इन द गेम। क्या लगता है इनकी बॉलिंग लाइनअप के अंदर या ओवरऑल आप देखते हैं कि जो मिस्टेक करती चली जा रही है ऑस्ट्रेलिया? देखिए एक जगह पे बॉल करने हैं, जब आपकी बॉलिंग ठीक नहीं होती इसका मतलब है आप आगे पीछे बॉल कर रहे हैं और कोई विकेट लेने वाली लाइन और लेंथ भी नहीं हुई है, और खैर वो उनकी बैटिंग लाइनअप ने चलने भी नहीं दिया, आई मीन डिकॉक जिस तरह से इनिंग्स खेले हैं वो सेटल ही नहीं होने दिया, खासतौर पे जैम्पा को कभी उनको स्वीप कर रहे हैं, कभी रिवर्स स्वीप, कभी निकल के खेल रहे हैं, इसी तरह से स्टार्क पे उन पे प्रेशर रखा, दूसरे फास्ट बॉलर्स पे उन्होंने प्रेशर रखा, तो जिसकी वजह से आपकी जो एक गेम वो बन नहीं सकी ऑस्ट्रेलिया की, और फिर जब मौके मिले तो फिर कैच छोड़ दिए। सो देखना यही है कि इन पिचेस के ऊपर कौन बेहतर परफॉर्म कर सकता है, अगर आपने बड़े नाम को बाहर बिठाना है तो फिर आपको बाहर बिठाना पड़ेगा अगर एक स्पिनर को एक्स्ट्रा खिलाना है। फिर हम साउथ अफ्रीका की टीम की बात करें तो हर लिहाज से ज़बरदस्त है और स्पिन में कमी थी जिसके बाद हम बात करते थे शम्सी की इंडक्शन के हवाले से, वो कमी भी दूर हो गई। ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देखते हैं, उनकी कामयाबी को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हर जगह पे एक रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होता है, तो आप क्या समझते हैं कहाँ पर गुंजाइश है जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जा सकती है? देखिए एक तो टैग उनका चोकस का वो कब सामने आता है प्रेशर मैच में, किस तरह से ये खेलते हैं वो अभी देखना है, मगर ये बिगिनिंग तो बहुत ही अच्छी हुई है जी। सारे उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छे हैं, एक तो लेफ्ट आर्म का एंगल मिलता है उनको जैनसन से, फिर रबाडा क्वालिटी के बॉलर हैं और
आईपीएल खेलते हैं रेगुलरली, फिर दो स्पिनर्स भी आ जाते हैं, फील्डिंग ठीक ठाक करते हैं, मार्कम फॉर्म में है, इसी तरह से डिकॉक फॉर्म में है, क्लासन दुनिया के सबसे अच्छे बैट्समैन है, पुल शॉट अगर उनके स्टैट्स निकाले सबसे अच्छी पुल शॉट खेल रहे हैं, स्पिनर्स पे धमाकेदार बैटिंग करते हैं, फिर आपके मिलर हैं, तो बहुत सारे बॉक्सेस टिक कर रहे हैं। सिर्फ बात ये अगर कहीं प्रेशर पड़ेगा तो क्या टीम, ये जो टीम है साउथ अफ्रीका की, ये खड़ी होगी या नहीं होगी, वो सब इंतजार कर रहे हैं। मगर मुझे लग रहा है इस वक्त कि जिस तरह से खेल रहे हैं सेमीफाइनल पे इनको पहुंचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।